नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। एक नजर डालते हैं उत्तराखंड की खास खबरों पर। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के मंत्रिमंडल गठन के बाद आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने बिंदु खत्ता क्षेत्र में जश्न मनाया है, जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई वितरण करते हुए जमकर आतिशबाजी भी की है और साथ ही तीरथ सिंह रावत कैबिनेट के विस्तार पर खुशी का इजहार करते हुए एक दूसरे को बधाई दी। और वहीं तीरथ मंत्रिमंडल के गठन पर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला है। कांग्रेस नेता हीरा सिंह बिष्ट ने कहा है कि तीरथ मंत्रिमंडल में कुछ भी नया नहीं है और ना ही कोई उम्मीद है। अधिकांश मंत्री पिछली सरकार में मंत्री थे जिन्होंने कोई कार्य जनता के हित में नहीं किया। बीजेपी ने सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने के लिए नेतृत्व परिवर्तन किया है, जिसका 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। इनसे कोई उम्मीद नहीं है, जनता निराशा में भर चुकी। वही तो है, मैंने कहा वही लोग तो सब मंत्रिमंडल में आ गए जो थे, दो चार इधर उधर कर दिए जनता का ध्यान भटकाने के लिए। यह कुछ नहीं है, यह जनता को धोखा देने का काम है। जनता सब समझ चुकी है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। जनता समझ चुकी है, समय इनका आ गया, इन्हें पता बुरी तरह परास्त होना है 2022 के चुनाव में। इसलिए बदल करके लोगों का ध्यान हटाने मात्र का काम है, कैसी प्रदेश की उपलब्धि इसकी कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक। और वहीं हल्द्वानी के नैनीताल रोड स्थित मुफ्ती कपड़े के शोरूम में भीषण आग लग गई थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने सूचना दमकल की गाड़ियों को दी, जहां पर दमकल की गाड़ियां फौरन मौके पर पहुंची हैं और आग पर काबू पा लिया गया है। फिलहाल दुकान मालिक का कहना है कि लगभग 45 लाख रुपए का माल दुकान के अंदर था जो जल चुका है और आसपास की दुकानों में कोई भी नुकसान फिलहाल के तौर पर अभी नहीं हुआ है। नगर निगम के खिलाफ फुटकर फल सब्जी विक्रेता का एक बार फिर से धरना शुरू हो गया है। हरिद्वार रोड पर शुरू हुए धरने के दौरान सब्जी व्यापारियों ने नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि षड्यंत्र के तहत उन्हें शहर में दुकानें लगाने के लिए स्थायी जगह उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। सब्जी व्यापारियों ने जल्द स्थायी जगह उपलब्ध नहीं कराने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दे दी है। और वहीं पूरे देश के साथ आज से 4 दिन तक ऋषिकेश के सभी सरकारी बैंक बंद रहेंगी। दरअसल सेकंड सैटरडे और संडे की छुट्टी के बाद 15 और 16 मार्च को बैंक कर्मचारी हड़ताल पर हैं। आपको बता दें कि बैंक कर्मचारी बैंकों के निजीकरण के विरोध में 2 दिवसीय हड़ताल करने जा रहे हैं। ऋषिकेश के सुबह रेलवे रोड स्थित स्टेट बैंक के पास बैंक कर्मचारी निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन भी करेंगे। 4 दिन तक बैंक बंद होने से शहर में कैश की किल्लत हो सकती है, जबकि बैंक के तमाम कामकाज भी ठप रहेंगे। दरअसल अभी जो बजट अनाउंस किया था हमारी माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने, उसमें उन्होंने पब्लिक सेक्टर बैंकों के प्राइवेटाइजेशन की बात की थी और फिलहाल उन्होंने 2 पब्लिक सेक्टर बैंकों को प्राइवेटाइज करने के बारे में जिक्र किया था बजट में। ये हड़ताल उसी के विरोध में है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक जनता के लिए हैं, जनता के बैंक हैं और सरकार इन बैंकों का प्राइवेटाइजेशन करके जो निजी हाथों में इनको सौंपने जा रही है, उसी के विरोध में पब्लिक सेक्टर बैंक 15 और 16 मार्च 2021 की हड़ताल पे जा रहे हैं। 2 दिन की हड़ताल है जिसपे सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं वो इसमें हड़ताल पे जा रहे हैं। अधिकारी कर्मचारी पूरी तरह से, पूरे देश में लगभग 10 लाख बैंक कर्मचारी और अधिकारी जो हैं वो इन 2 दिनों के लिए पूरी तरह से हड़ताल पे होंगे। और वहीं अंबेडकर नगर वार्ड नंबर 1 स्थित छठ पूजा स्थल के पास नगर पंचायत द्वारा बनाया जा रहा कूड़ा निस्तारण प्लांट के विरोध में क्षेत्रवासी और पूर्वांचल समाज के लोग मुखर उठे हैं। उन्होंने नगर पंचायत द्वारा बनाए जा रहे कूड़ा निस्तारण प्लांट के विरोध में जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा है। पौड़ी नगर में स्थित भगतराम न्यू मॉडल स्कूल के प्रधानाचार्य पर गांव के रोशन सिंह ने स्कूल परिसर में उनकी जमीन कब्जाने का आरोप लगाया है। रोशन सिंह का आरोप है कि स्कूल प्रधानाचार्य जब स्कूल भवन निर्माण करवा रहे थे तो उन्होंने उस वक्त जमीन का मुआवजा दिए जाने की बात कही थी, लेकिन कई साल बीत जाने के बाद भी कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। रोशन सिंह ने बताया कि अब उन्होंने इस बात की शिकायत जिलाधिकारी से की है, फिलहाल जाँच की जा रही है। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राजभवन में बसंतोत्सव 2021 का शुभारंभ किया है। बसंतोत्सव 2021 के अंतर्गत आज और कल राजभवन में पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जाएगा, जिसका शुभारंभ भी राज्यपाल ने किया है। 2003 से लगातार उत्तराखंड में बसंतोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन कोरोना महामारी के चलते पिछली बार इस कार्यक्रम का आयोजन नहीं हो पाया था। आज हमने बसंतोत्सव, फूलोत्सव, फ्लावर शो जो भी कहिए, उसका उद्घाटन अभी अभी हुआ है और आप लोग स्वयं भी मेरे साथ थे, देख रहे हैं अनेक प्रकार के, अनेक प्रजातियों के फूल, बॉन्साई, और हम कैसे प्रकृति से जुड़ें, कैसे नेचर से जुड़ें, इसका संदेश देती हुई कुछ फूलों से डेकोरेट करके वो लगाई हैं, फोटोग्राफ कहिए या झांकियां। तो सबसे बड़ा इसका उद्देश्य यही है कि हमें प्रकृति से प्यार करना सीखना चाहिए,
इससे हमारा पर्यावरण भी अच्छा रहेगा, वायु शुद्ध रहेगी तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ जो हमारे अन्नदाता हैं, जो हमारे किसान हैं, उनकी आमदनी भी कैसे दुगनी हो, इस बात को भी यहाँ प्रमोट किया जा रहा है। एक दिवसीय पशु प्रदर्शनी का आयोजन लालकुआ में किया गया है। इस प्रदर्शनी में मौके पर लालकुआ और नैनीताल जिले के कई पशु चिकित्सा अधिकारी पहुंचे हैं। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने इस मौके पर पहुंचे विधायक नवीन दुमका का सम्मान करते हुए कहा कि इस प्रकार की प्रदर्शनी लगातार होनी चाहिए। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।